थोड़ा सा ये है कि ये नाटक जो है हम करने वाले हैं अगले आज और 2 दिन और 4 नाटक कर रहे हैं, ये तमाशा थिएटर के प्लेज हैं। दे आर वेरी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्हाट वी कॉल द तमाशा स्टाइल। ये कंपनी करीब 8-9 साल पहले एस्टैब्लिश किया हमने, और इसको एस्टैब्लिश करने में थोड़े से कुछ आइडियाज थे, ऐसे ही नहीं कर दिया कि चलो हमें एक और थिएटर कंपनी है। एक थिएटर कंपनी अर्पणा जो यहाँ पे नाटक ले आई है, लेकिन जैसे अर्पणा के नाटक का स्केल बढ़ता गया और नाटक बड़े होते गए, तो ये एक सवाल अक्सर मन में आने लगा कि क्या बढ़ते हुए स्केल के साथ साथ हम आर्टिस्टिक रिस्क लेना अब थोड़ा सा रिलक्टेंट हो गया है, क्या हम वो ताकत जो होती है आर्टिस्टिक लेने की, क्या वो खत्म हो रही है? क्योंकि यू नो एज स्केल्स गो अप देन द स्टेक्स आर हायर, और आप थोड़ा सा डरने लगता है, यू हैव द टेम्पटेशन टू प्ले सेफ। तो ये एक बात थी कि कैन वी गो बैक टू अ फॉर्म ऑफ थिएटर जहां पे हम आर्टिस्टिक रिस्क ले सकते हैं। दूसरी बात, ऑडियंस के साथ जो रिलेशनशिप होता है बड़े नाटकों में, बड़े ऑडिटोरियम, ये तो बड़ा नहीं है, लेकिन जिस तरह के बड़े ऑडिटोरियम होते हैं, लोग टिकट खरीदते हैं, आते हैं, बैठते हैं, अंधेरे में शो देखते हैं, चले जाते हैं, यू हैव नो आइडिया कि आपका नाटक किसने देखा है। आपके गिने चुने दोस्त लोग बाद में मिलते हैं, यू नो बढ़िया जो भी हो, बट ऑडियंस कौन थी ये हम, एंड वी वर वेरी अनकंफर्टेबल विद दैट, क्योंकि लोग आ रहे हैं नाटक देखने, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा सा कुछ तो एक रिलेशनशिप बनाए। ओके, तो ये कैसे बड़े ऑडिटोरियम में होगा नहीं, छोटे स्पेसेस में ही होगा, तो क्या हम ऐसे छोटे स्पेसेस में करें जहाँ पे कम लोग हों, जिनके साथ शो के पहले और शो के बाद हम किसी तरह से एक रिलेशनशिप बनाए, अ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप, यू नो, एक बॉडी ऑफ वर्क को लेके, सिर्फ एक नाटक देखने ना आए कि बार बार आए और हम भी समझे कि वो क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। दैट वाज पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर थ्री, हमने सोचा कि नाटक की परिभाषा जो है, डेफिनेशन ऑफ प्ले, क्या नाटक करना मतलब सिर्फ परफॉर्मेंस करना है कि कुछ और, यू नो, हम तो मानते हैं कि डूइंग थिएटर इज अ वे ऑफ लाइफ है, मतलब आप सेपरेट ही नहीं कर सकते, अगर आप If you are really passionate about it, you cannot make a separation कि मैं theatre करता हूँ और मैं ज़िंदगी जीता हूँ, it's not possible. और any artist will tell you कि कला के साथ ये अलग categorization नहीं हो सकता। लेकिन हमने सोचा कि क्या ऐसे spaces में जहाँ पे छोटी जगह है, कम लोग हैं, एक relationship बनती है, क्या एक अलग किस्म का theatre practice कर सकते हैं जो idea centric हो, विचार प्रधान, ओके, जहाँ पे हम ये नहीं सोचेंगे कि कितना बड़ा सेट लगेगा, ताम झाम जो होता है एक बड़े नाटक का, ना, bare bones, 8 मूड़े, 2 कुर्सी एंड नाटक, क्या इस लेवल पे जहाँ पे द आइडिया टेक्स सेंटर स्टेज। आज के माहौल में थोड़ा सा एक एंटी इंटेलेक्चुअल माहौल है, उसमें हमें लगा कि आइडियाज को सेंटर में रखना, फिर से रखना जरूरी है, तो ये भी था। तो आप जो देखेंगे, ये जो नाटक जो है वो थोड़े बहुत इन विचारों से बने हैं। हम काफी रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं एक नाटक बनाने के पहले, and I hope that effort shows in the work. अभी जो हम नाटक पेश करने वाले, हमारा आज का पहला नाटक ब्लैंक पेज, सादा पत्र, ये कंटेम्प्रेरी इंडियन पोएट्री, समकालीन इंडियन पोएट्री का एक्सप्लोरेशन, एक्टर्स लुकिंग एट पोएट्री, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी कि हमारे साथ यहाँ पोएट्स हैं, तो एक हम कहीं पे इस पे कॉन्वर्सेशन ओपन कर सकते हैं, एक्टर्स इंटरप्रेटिंग पोएट्री, और ये सारे कंटेम्प्रेरी पोएट्री हैं, 3 भाषाओं में है, हिंदी, मराठी और अंग्रेजी, एक कविता जो है वो कश्मीरी से हमने ट्रांसलेट किया है, सो यू विल सी अ सीरीज ऑफ पोएम्स एक के बाद, बट धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि ये थीमेटिकली अरेंज्ड हैं, ओके, सो 3 थीम्स हैं इसमें, और ये शुरुआत से एंड तक यूजिंग थिएटर म्यूजिक, लाइव म्यूजिक एंड मूवमेंट हम इसको इंटरप्रेट करते हैं। कई बार नाटक करते वक्त हमें लगता है कि यार नाटक को छोड़, मैं लेट जस्ट डू म्यूजिक, यू नो, नाटक में इतनी मेहनत लगती है, एंड देन म्यूजिक जस्ट कम्स एंड यू नो टेक्स ओवर एंड इट्स सो मैजिकल। ये म्यूजिक का एक जो पावर है, और खासकर हमारे कल्चर में म्यूजिक हैज अ वेरी वेरी पावरफुल प्लेस, तो हमने एक्चुअली इस चीज को हमने प्रैक्टिस में डाला, हमने कहा लेट्स क्रिएट अ शो जहाँ पे हमारे थिएटर एक्टर्स विल जस्ट सिंग। तो दैट इज द बिगनिंग ऑफ द आइडिया ऑफ सोल। फिर हमने सोचने लगे कि हम किस थीम को लेंगे, कि हम थीम से बचते नहीं है ना, हर चीज में कुछ कुछ सोचते हैं, सो वी थॉट लेट्स थिंक ऑफ अ थीम, एंड उस समय यू नो वी वर रीडिंग अ लॉट अबाउट हमारे जो
ट्रेडिशंस रहे हैं, जैसे कि फॉर इंस्टेंस भक्ति परंपरा जो रही है इस देश में, खासकर हम जो महाराष्ट्र से आते हैं, हमारे जिंदगी में हम ये भक्ति परंपरा का काफी प्रभाव हम आज भी देखते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इसको एक्सप्लोर करें। तो रफली ऐसा है कि 10th सेंचुरी में यू नो कास्ट सिस्टम बड़ा रिजिड होने लगा है, हर चीज में रिचुअल्स बढ़ते जाते हैं, आप मंदिर बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस, और एट द सेम टाइम कि बहुत सारे लोगों को मंदिर में जाना मनाए था, यू नो दैट लैंग्वेज को लेके बड़ा प्रॉब्लम है, ऑल नॉलेज इज इन संस्कृत, नॉलेज इज डिनाइड एंट्री टू द टेम्पल, एंड एंट्री टू द टेम्पल तो ये एक बात होती है, बट दैट इज द कनेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द आइडिया ऑफ गॉड, समबडी हैज कम इन द मिडल ऑफ दैट, यू नो ऑफिशिएटिंग, आप डायरेक्टली भगवान के साथ एक रिलेशनशिप नहीं बना सकते, यू हैव टू गो थ्रू द प्रीस्टली क्लास। तो ये सारी चीजें हो रही थी, एंड एज यू नो एवरीथिंग विल हैव अ बैकलैश एंड देयर विल बी अ रिस्पॉन्स। और ये तमिलनाडु में ये शुरू होता है, ये जो सेंट्स थे अलवर नयनार सेंट्स थे, वहां से नए विचार शुरू होते हैं, वो स्प्रेड होते हैं नॉर्थवर्ड्स इनटू कर्नाटक। कर्नाटक में आप नाम ऐसे सुनते हैं, महादेवी अक्का, बसवन्ना, अल्लामा प्रभु, ऐसे बड़े बड़े पीपल्स पोएट्स जो हैं, वो एक तरह से एक नई विचारधारा स्प्रेड कर रहे हैं। वहां से महाराष्ट्र में तुकाराम, ज्ञानदेव, सोयराबाई, ऐसे नाम आते हैं, सेंट पोएट्स जिनको कहते हैं। और फिर ऑफकोर्स गुजरात में मीराबाई का नाम किसने नहीं सुना है, एंड मीराबाई रिलेशनशिप विद हर स्पिरिचुअल आइडियल कृष्णा, वो एक पूरा एक दौर शुरू होता है। देन इट मूव्स टू द ईस्ट, फिर आप एकोज ऑफ यू नो इन दीज आइडियाज इन सूफी म्यूजिक, इन द बाउल म्यूजिक ऑफ बंगाल। करीब 400 साल तक ये भक्ति परंपरा बहुत स्ट्रांग एंड स्प्रेड्स अक्रॉस द कंट्री। तो इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उनके एक्सप्रेशंस में जो आते हैं। वन इज कि द रिलेशनशिप बिटवीन द डिवोटी एंड द गॉड, ओके, कि इट्स अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, देयर इज नोबडी इन द वे, ओके, एंड समटाइम्स रिलेशनशिप इज ऑलमोस्ट लाइक अ फ्रेंड, उनको तो इस तरह से भगवान का नाम लेते हैं जैसे इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फ्रेंड, तो एक बहुत ही अलग किस्म का रिलेशनशिप हो जाता है। सेकेंडली इज कि मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि भगवान को ढूंढने, आप कहाँ ढूंढोगे भगवान, फाइंड गॉड विद इन योर सेल्फ, सो योर बॉडी देन बिकम्स द टेम्पल। ये बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशनरी चेंज होता है, ओके, योर बॉडी बिकम्स द टेम्पल, और फिर अपने बॉडी का जो आपका नजरिया बदल जाता है, इट बिकम्स अ प्योर प्लेस, यू नो, एक प्लेस वेयर लव एंड गॉड रिसाइड। थर्ड थिंग इज कि देर इज अ विजन ऑफ अ कास्टलेस सोसाइटी, एक थोड़ा सा इक्वालिटी की बात होती है। एंड देन फाइनली रीजनल लैंग्वेजेस को बहुत स्ट्रेंथ मिलता है, संस्कृत remains the language of the priestly class, but regional languages, Tamil, Kannada, Marathi, Gujarati, ये सारे चीजों का development होता है, और इन भाषाओं में एक people's literature develop होता है, so it's a very very powerful thing, and आज जो गाने आपके सामने present किए जाएंगे ये करीब 7 या 8 भाषाओं में, I hope you've been given the handouts, हैं आपके पास जो है, उसमें थोड़े से synopsis हैं हर गाने के जो एक सार है, और कुछ हमारे singers भी आपको बताएंगे।